सो हे गाइज, वेलकम बैक टू जेके स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब देख सकते हो, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। सो जैसे कि आप सब जानते हो कि सी यू टी का जो प्रेफरेंस है, सिलेक्शन जो है, प्रेफरेंस सिलेक्शन, वो स्टार्ट हो चुकी है पोर्टल पे। सो बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे आपको समझानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपकी जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कॉलेज के द्वारा हो रही है, ठीक है। सो आपको अपने जैसे फॉर्म स्टेटस वाली जो वीडियो है मैंने अपलोड की हुई है, फॉर्म स्टेटस करके एक जगह है, वहाँ पे जाके अपना फॉर्म का स्टेटस देख लो। अगर कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट रीअपलोड करने की ज़रूरत है, सो डू एक्सेप्ट और वहाँ पर जाके रीअपलोड कर दो, ठीक है। दो तीन ही बातें बताने वाली हैं तो ध्यान से सुन लो। सेकेंड है आपका कि जो आपकी प्रेफरेंस है वो एक से स्टार्ट हो चुकी है, 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक चलने वाली है। अच्छे से फिल करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि कॉलेजेस शो नहीं हो रहे हैं, तो फिल्टर ऊपर होता है एक ऑप्शन, उसको क्लिक करो, उसको अप्लाई करो और आराम से जो है आप सर्च करो, डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्च करो, एक एक चीज़ जो है वो अच्छे से देखो। वहाँ पे सब कॉलेजेस हैं, बस आपको देखना नहीं आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से चेक करो, ठीक है। आपकी जो मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट CSAS जो एलोकेशन लिस्ट है आपकी, वो 48 को आने वाली है। तो ये याद रखो कि 48 को आपकी सीट आएगी। ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, 14 को जब सीट आएगी तो आपके पास ही रहने वाली है वो सीट, तो 14 से 8 के बीच में आपको एक्सेप्ट करनी है। तो एक दो दिन देखो कि आई एम गोइंग टू परस्यू दिस कोर्स और नॉट, वो पहले तो जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो पहले ही, उसको आराम से करो। टॉप पे कौन से कॉलेजेस रखने हैं, टॉप पे कौन सा कोर्स रखना है, अगर आप बी कॉम के लिए जा रहे हो तो SPMR का रखना है या MAM का रखना है, तो ये सब चीज़ें देख के रखो। गर्ल्स हैं कोई, स्पेशली गर्ल्स कॉलेज में अगर इंटरेस्टेड हैं तो गांधीनगर वाला PSP जो है आपका, वो वाला सर्च करके रखो। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज है, परेड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, तो वो चॉइस करके रखो। तो ये सब आप पहले से देख के रखो कि सो दैट आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो ये सब आपकी चॉइसेस हैं, तो इसमें कोई भी जो यूट्यूब चैनल का जो एडमिन है उसको इंटरवीन मत करने दो। लेट्स थिंक बाई योर सेल्फ, खुद सोचो कि आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। वी कैन हेल्प यू टू गेट थ्रू, की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वी आर हेयर टू हेल्प यू, बट ऐसा नहीं है कि किसी के थ्रू चॉइस फिलिंग कराओ। जस्ट गो बाय योर सेल्फ एंड यू विल बी लर्निंग समथिंग, राइट। सो ये देख लो। और नॉन CUET वाले का जो प्रोसेस है, जैसे कि मैं आप सबको बता दूँ नॉन CUET वाले, सो उनका क्या शेड्यूल है। सो बेसिकली जो नॉन CUET वाले हैं उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10-8 तक हो जाएगा, और जो आपकी डिक्लेरेशन ऑफ नॉन CUET मेरिट लिस्ट है जो आपके 12th के मार्क्स पे आएगी, वो 12-8 को आएगी। और फिर उसके बाद आपकी जो कॉलेज की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सब स्टार्ट होने वाली है। सो कॉलेज में कहीं पर भी नहीं जाना है आपको उससे पहले, ठीक है। उससे पहले किसी को भी नहीं जाना है, ना CUET वाले को जाना है, नॉन CUET वाले को भी नहीं जाना है। जो CUET वाले हैं, जैसे उनको सीट मिलेगी, सीट को एक्सेप्ट करोगे 18 के बीच, फिर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो उसी कॉलेज में स्टार्ट हो जाएगी। आप उस कॉलेज में जाके फिजिकली डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हो गए, करैक्टर सर्टिफिकेट हो गए, करैक्टर और जो आपका सर्टिफिकेट है वो सेम ही है, ठीक है। ये सब तैयार रखो। और फिर अलॉटमेंट ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगी, फीस लिंक का जो आपका फीस है वो जनरेट हो जाएगा, वो सब लिंक आपको जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी और वो आपकी एडमिशन हो जाएगी। कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हो। आई होप कि यही होते हैं बेसिकली डाउट्स, और वेट करो प्रॉपर टाइमिंग के लिए और देख लो। और बाकी जैसे कि आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको चेक कर लो और उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे भी एक सपोर्ट ग्रुप बनाया है, यू कैन आस्क द क्वेरी, और बाकी जो एडमिन्स ने पहले के आंसर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के, उनको ग्रुप में चेक कर लो। सर्च करते हैं ऊपर आइकन, सर्च करो, सर्च आइकन पर क्लिक करके जस्ट अपना क्वेरी डालो। मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आर ऑलरेडी हैव बीन आंसर्ड बाय द एडमिन्स, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। बाकी शेड्यूल आपके सामने है, सेम चीज़ें मत पूछो कि कब मेरिट लिस्ट आएगी, कब नहीं आएगी, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है, पहले भी बताया हुआ है। जब तक कॉलेज नहीं मिलता तब तक किसी को नहीं जाना है, ना CUET वाले को जाना है, नॉन CUET वाले को जाना है। और जो आपकी लिस्ट की डेट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी क्या क्या है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।